हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव झा। अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि आर्म में, इस जगह पे आर्म पीट, अंडर आर्म्स और कांध में अगर आपको घाव हो गया, वोंड हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया, पूरा येलो है, अब इसे क्या करते हैं, अपन ड्राई नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो फटना चाहिए। तो फटने का सबसे आसान तरीका है, फट के बहने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल इसका नॉर्मल इलाज है। ये ऑरेंज कलर लीजिए और ये देखिए, ये आपका ये हाथ हो गया, तो ये आपका पूरा हाथ है, ये नीचे का पार्ट है, तो नीचे का पार्ट ये यहाँ पर गया, तो ये आम का आर्मपिट, अंडर आर्म्स, कान के नीचे का पार्ट। इस पार्ट में क्या कीजिए, जहाँ पे ये घाव है जो बाल टूटने के कारण होता है, इस जगह पे आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कीजिए। ये ऑरेंज कलर का इस्तेमाल जब आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ इस जगह पे जो है वो जो वोंड है वो आपका फट जाएगा। सेम इस हाथ में भी, ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट होगा, ये अंडर आर्म्स में, अगर इसमें हो तो ये पार्ट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे पूरे में ऑरेंज कलर को लगाइए और ये ऐसे करके, ये देखिए पूरा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर लगाने के बाद एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको फास्ट रिजल्ट और चाहिए तो ये है राई सरसों। इसे क्या कीजिए, इस जगह पे चिपका डालिए और 8 घंटा रखिए, फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है, कितने बहुत फास्ट रिजल्ट आप मिलेगा, वो बहुत जल्दी फटेगा और काम आ जाएगा, आपको आराम मिलेगा। ये देखिए इस पार्ट में, अगर इस पार्ट में लिया, इस पार्ट में से इस राई को चिपकाया ऐसे करके, तो ये जो अंडर आर्म्स में जो भी बाल टूटने के कारण या किसी भी परेशानी के कारण, बच्चों में, बड़ों में अक्सर ये तकलीफें आ जाती है कि वोंड खड़ा हो जाता है और बाद में लोगों को ऑपरेशन करवाना होता है, परेशानी बहुत होती है, हाथ उठाने में तकलीफ होती है, पूरे बॉडी में दर्द होता है, तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज दिया था कि इसका वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो दो तरह के, कुछ लोग इसे क्या करते हैं, सुखाते नहीं, उसे क्या करता है, ख़त्म करना है, क्या कहते हैं, पूरा क्लीन, पस को निकाल के क्लीन करना है, तो उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर बताया है। कुछ लोगों को उसे सुखाना है तो वो सिर्फ ब्राउन कलर लगाएंगे तो ये सूख जाएगा। तो दोनों वीडियोस को प्लीज़ देखिए और यूज़ कीजिए, दूसरों को भी बताइए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।